चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं आज भ्रमण पर, देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं हम घुमाने के लिए। आपको भी दिखाती रहूँगी और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहना, मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। और देखिए सभी बैठ चुके हैं गाड़ी में, अपनी अपनी सीट में देखिए। देखिए ये आज के हमारे ना डे मॉनिटर हैं हमारे आंटी जी, और सबसे बेस्ट और एक ये हैं और एक ये वाली आंटी हैं हमारी। आज ना सभी सीनियर को बनाया गया है क्योंकि आज हम ना विजिट पे जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारी बस, ये देखिए हमारे सारे लोग आ गए हैं और ना बस बिल्कुल एयर कंडीशन है, सभी पंखे लगे हुए, देखिए आप लोग सबको। ये देखिए मैडम साहब आज जींस में उतर गए हैं, देख लो। और ये ना बोलो भाई, ये हमारे सर लोग हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि कितने बजे निकलेगी गाड़ी, ये देखिए। और हम ना सब लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये तो डे मॉनिटर है, ये हमारी सीनियर मॉनिटर है, ये आंटी इधर देखिए, ये देखिए। और ये हमारी आंटी जी हैं, ये दीदी जिनका ब्लॉग है, और ये दीदी, ये देखिए ये जीना दीदी है, ये आंटी हैं, ये चक्राता से आरखी हैं, और ये हमारे घोष बाबू है, बॉस बाबू हैं ये हमारे। ये हमारी मीत है, ये ना सबको एंटरटेनमेंट करती है, मेन पार्ट इसी का है हमारा, हम लोगों में। और ये देखिए ये दीदी लोग हैं, तो हम ना आप लोगों को आगे दिखाते, जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को ये सारी लोगों की ना कैसी कैसी एक्टिविटी जाने लग गई है। गाड़ी अभी चलने लग गई है, स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, देखते हैं सरप्राइज़ है ये, कहाँ ले जा रहे हैं हमें विजिट पर। अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं करके, अभी वहीं जाके पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और आपको भी दिखाऊंगी मैं। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। बस में कितना अच्छा भजन गाते हुए जा रहे हैं सभी, हमारे पीछे वाले गा रहे हैं ये पहले। मेरो श्याम ए रंग का जो लगी नारा।
हैं हम और अब जा रहे हैं इधर को, देखते हैं यहाँ बहुत सारी गायें दिख रही हैं, कौन सी जगह है अभी ये मुझे भी पता नहीं है, सर बता रहे हैं सबको कहाँ पर जाना है करके, अभी सर सभी को बताएंगे कि कहाँ पर जाना है क्या करना है करके। हाँ देखते रहना। हाँ चलो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। ये समझ पता नहीं आप लोगों को, पता नहीं, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा आपको, अगर ठीक नहीं लगेगा तो आप मत लो। जो गाय होती है ना वो हमारी देसी गाय होती है। देसी गाय का मतलब उसकी पीठ पे हम होना चाहिए, आगे झालर होनी। मैं जीमोहम नेचुरल फार्म से हूँ और हमने ये जो फार्म है 3 साल पहले शुरू किया था। तो मैंने 30 साल ऑयल एंड गैस में जॉब किया, तो 2021 से हम लोग गायों के ऊपर काम कर रहे हैं और आज ये उत्तराखंड लाइफ स्टॉक बोर्ड का ट्रेनिंग हेल्प का बैच आया हुआ है 25-30 लोगों का। तो आज इनका ओरिएंटेशन हो रहा है, हाउ वी कैन डू द फीड बैलेंसिंग एंड हम कैसे ब्रीड सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम अपनी मार्केट को ढूंढते हैं। तो आज इस बारे में इन्हें बताया गया, तो ये सब इनके आगे काम आएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप हम सर से मिले और सर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और कैसे हमें दूध का दही जमाना है और किस प्रकार से कितने दूध से कितना घी बनता है और चारा किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए, ये सारी जानकारी दी हमें। हमारे सारे साथियों को बहुत ही अच्छी लगी सर की बातें और सर ने अपना पूरा फार्म हाउस दिखाया। इनसे हम यहाँ गायों को देखने के लिए विजिट पर आए हुए हैं और मैडम हमें कुछ जानकारियाँ देंगी।
यहाँ के बारे में बताइए मैडम। ये हमने गाय के लिए काढ़ा बनाया है, हमने सुबह पनीर बनाया था ये वाला ना, उसका हाँ उसका जो पानी बचा हुआ है अच्छा। उसमें हमने मेथी अजवाइन हल्दी गुड़ वो डाल के इसका काढ़ा बनाया है। गाय के पानी का फीड में मिला के गाय को देते हैं, गायों के लिए ना। हाँ जी गाय के लिए। अच्छा जो पनीर बनाया था उसका उसका पानी है अच्छा। उसमें हमने ये बनाया है। क्या क्या मिलाया है आपने इसमें? इसमें मेथी हाँ अजवाइन गुड़ हल्दी। अच्छा थोड़ा थोड़ा करके देते होंगे ना। अच्छा और लोगों को तो जानकारी नहीं है क्या कब खिलाना है क्या खिलाना है ना। गाय की इम्यूनिटी बढ़ती है। कितनी बार खिलाते हैं इसको दिन में? इसमें एक बार दे देते हैं थोड़ा सा के साथ। अच्छा अच्छा वो फीड में ही मिला के फीड में मिला के गाय ब्याई भी होती है उसे तो रोज देते हैं सुबह शाम। हाँ लेकिन ऐसे नॉर्मली जैसे कभी भी दे देते हैं। अच्छा हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी डेयरी है, ये बहुत से पशु हैं यहाँ, साहिवाल पशु भी हैं और गिर गाय भी है यहाँ पर। ये शर्मा जी का फार्म हाउस है, हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। देखिए ये भी गिर गाय है, छोटी हो गई बदरी जैसी लग रही, ऐसी जर्सी हो जाती है छोटी। वो गिर गाय है यार, वो गोल खोपड़ी वाली है, जिनके बड़े कान है ना। हाँ जी नस्ल को पहचानना कैसे कैसे है क्या है? ये कौन सी वाली गाय जो आ रही है? ये शर्मा जी इनसे पूछिए। गिर है मैंने कहा ना, गिर है, इसके कान देखो हाँ गिर गाय है वो। सर ये वाली मिक्स ब्रीड है, दोगली है ये। सर ये वाली गिर है ना, टच मत करना है इनकी। हाँ गिर गाय के कान बहुत बड़े होते हैं, लंबे। ये भी गिरी है, ये भी वही है, ज्यादातर यही है यहाँ पर। ये है गिर गाय, देखो गिर गाय के कान कितने बड़े होते हैं। और देखिए माथा, हाँ माथा चौड़ा है इसका, देख लो कान बड़े हैं। हाँ और ये दोगली वाली है, ये वाली है कैसा कर रही है? हाँ वो साहिवाल है, उधर से आ रही है वो। ये जर्सी तो नहीं है, ये मिक्स छोटा सा, ये वाला है, ये जर्सी जैसा लग रहा है। पढ़ा रहे हैं कृत्रिम गर्दान, यहाँ आपको दिख रहा है बुल, यही गांव में भी होना है। अब इनको मोटिवेट करो, क्यों एआई करेंगे बताओ इनको सर, और इनकी बात सुनो ये क्यों नहीं कर रहे हैं सर। एआई करने से ना, जैसे हम एआई करते हैं तो जैसे बुल होते हैं वो तो सारे गांव में घूमते हैं, तो उनसे ना हमें गायों में भी संक्रमण बीमारियां फैलने से मतलब उसकी रोकथाम हो जाती है सर। और एआई से हम बेटर वो ले सकते हैं सर, बच्चे और सर हम बच्चियों का सीमन भी लगा सकते हैं सर रेड क्रॉस। भूल से तो हमें पता नहीं है कि बच्चिया होगी या वो होगा, लेकिन हम ना जब एआई कराते हैं तो हम उससे सिर्फ बच्चिया, अब हमें बच्चिया चाहिए तो हम बच्चिया ही ले सकते हैं सर। बच्चों के लिए सर हम पहले 12 घंटे में लगाएंगे और फिर 12 घंटे बाद ही से वो AI। शर्मा जी आप बताएं आप क्यों नहीं ला रहे कुछ? यहाँ पर मयंक सर ने हमें बताया कि किस प्रकार फीड तैयार किया जाता है, दाना कितना मिलाया जाता है उसमें और भूसा कितना मिलाया जाता है और उसमें मिनरल मिक्सचर कितना मिलाया जाता है और कितना उसमें सैलेज मिलाया जाता है, सारी जानकारियाँ दी उन्होंने। एक तराजू में बाल्टी में रख के तोलते हुए हमें बताया कि इतना ग्राम ये मिलाना है, इतना किलो ये मिलाना है, सारी जानकारियाँ दी और पूरा मिक्स करके हमें पूरा डेमो दिखाया यहाँ पर। और सभी महिलाएं अच्छी तरह से समझ गई कि किस प्रकार से हमें भूसा और दाना सारा मिक्स करके। सर ने बताया कि राशन मेंटेन कैसा किया जाता है और जैसे हमारे पास हरी घास है तो हमें सैलेज मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर हमारे पास हरी घास थी और सर ने सैलेज नहीं मिलाया, भूसा ही मिलाया और पूरा मिक्स करके हमें दिखाया किस प्रकार बनाना है करके, सभी हम समझ गए हैं। और
आठ आते हैं ना पीछे पीछे। कितने एनिमल लगभग आपकी? अगर सभी 12 वहाँ से गाय तीर के हम आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। पशु आहार बनता है ये। मैं इस फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैंने ये फैक्ट्री 2019 को 5 सितंबर को शुरू की है। मुझे ये 5वां साल चल रहा है। इस फैक्ट्री को खोलने के लिए मैंने 20 लाख रुपए का खादी ग्राम उद्योग से लोन लिया था। उसके बाद धीमे धीमे प्रगति करते करते मैंने मेरा टर्नओवर 3.5 करोड़ पर एनम है, ठीक है जी। मेरा उद्देश्य इस फीड फैक्ट्री को खोलने का था कि गाय जो है हमारी उनमें बांझपन के लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं। ये फैक्ट्री के मैनेजर मैडम है, ये डायरेक्टर मैनेजर। कुछ लोग इधर आ जाइए। ऐसे मशीन, इसको एलिवेटर कहते हैं। इसमें जहाँ वो मशीन वेइंग मशीन रखी है उसमें गेहूँ जो मक्का जो, हम वहाँ से ये मिक्सर चला देंगे, नीचे वाला मिक्सर चला देंगे और ये ढक्कन खोल देंगे, सारा माल नीचे आ जाएगा। और वो देखिए टैंक है, उस टैंक से पाइपलाइन आ रही है और ये देखिए ड्रम है, इससे शीरा आएगा। शीरा गुड़ की जगह आप यहाँ शीरा पड़ रहा है जो कि जरूरी है। फैक्ट्री में आए हुए हैं हम, यहाँ पर ये बनता है गायों के लिए पशु आहार। बहुत सारे बैग बने हैं यहाँ पर क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है ना। मैडम हमें बता रहे हैं अपने ढंग से कि कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कितना। ये मशीन लगी हुई है यहाँ पर, ये मशीन में डालने के बाद ऊपर चल जाता है, वहाँ से भी ये दूसरी मशीन इधर को आता है। पूरा बताया मैडम ने। और जो है उसमें कोई कीड़ा जीत नहीं, तो इस तरीके से प्रयास हम करते हैं कि बेस्ट मिल सके। हम आपको मैश खुला हुआ तो नहीं है हमारे पास, वो बच चुके हैं। अभी सब जगह से भ्रमण करके हम आ पहुँचे हुए यहाँ पर कमरे में, यहाँ जा रहे हैं सभी किचन में। ब्लॉग में दिन भर जहाँ जहाँ हम भ्रमण पर गए वो सब मैंने आपको दिखाया है। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।